गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी सता आरोही में। तो आज पूरा दिन से बारिश हो रही है और बच्चों की छुट्टी भी है। आज हम कहीं नहीं जा सकते हैं, घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं पूरा टाइम से। तो हमने सोचा क्यों ना हम आज एक स्वीट डिश बनाएं। तो आरोही, क्या होने वाली है स्वीट डिश, बताओ। इट इज ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी। तो आज हम चॉकलेट ब्राउनी बनाएंगे और हमारे किचन में नया नया ओवन भी इंस्टॉल हुआ है, तो देखते हैं वो भी कैसे काम कर रहा है, करता भी है या नहीं है। तो अमित से ब्राउनी बनाना आज ओवन, और इसमें हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट बहुत सुपर इजी है। इसमें हमें सिर्फ एग और बटर हमें इसमें ऐड करना है। ये महीने भर से हमारे पास और अभी तक यूज भी नहीं आया है, वो बटर भी ऐसे ही रखा हुआ था, हम लेके आए थे। तो आज चलो फाइनली हम बनाने जा रहे हैं। तो वो बटर भी यूज हो जाएगा और इसमें ट्रे भी आई है बनाने की, तो आपको अपनी ट्रे भी गंदी करने की जरूरत नहीं है, साफ भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजों में बहुत बर्तन सब गंदे हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ से करो, अरे बेटा कम हियर, वन साइड यू वन साइड ईशा, दो बोथ ऑफ यू। हां चल, अभी ऐसे करो ईशा, अरे आप इधर करो, सो रेडी डन। ओके, वेरी गुड। तो अब इसको यहाँ से तो हमने बंद कर दिया है, बट ईशान वेट। और हमारे साथ इसमें क्या-क्या आया है ईशान? ब्राउनी, ब्राउनी मिक्स है ये यहाँ पे, और चॉकलेट चिप है ये, ये भी डालने हैं ईशान आपको। ये तो खुद ही इतना चॉकलेटी होगा, फिर इसे डाल के क्या करोगे। और ये बॉक्स बना दिया है आदि ने, है आदि। एंड देयर इज आल्सो प्रिंटेड समथिंग हियर, सो नाउ इंस्ट्रक्शन देखो भाई कैसे करना है। तो इसमें काम के आसपास बटर ले लिया है, अब इस बटर को मेल्ट कैसे करेंगे। पढ़ो इंस्ट्रक्शन क्या है ईशान, ईशान इंस्ट्रक्शन पढ़ो बेटा कैसे, क्या चॉकलेट ब्राउनी किट। चॉकलेट ब्राउनी किट नहीं, यहाँ से पढ़ो प्री हीट द ओवन, ये नहीं ईशान, आप तो यहाँ पे बनाने में हेल्प करने वाले थे, आप खुद चॉकलेट खाने लगे फ्रिज में घुस के। What is instructions? Okay. Assemble cardboard tray provided, place the baking tray in a small microwave bowl, empty sachet of chocolate chunk and add the बटर को हीट करना है। तो ओके, अमित वो फ्राई वो वाला चाय जिसमें चाय बनती है ना, वो लो। चलो भाई हम तो वेट कर लेंगे, हमें खाने से मतलब है ना भाई। ईशान, ईशान, ईशान आज ब्राउनी खाएगा डिनर में। डिनर फॉर ब्राउनी मींस आफ्टर डिनर यू कैन ईट सम स्वीट। दो एग डालने हैं इसमें, बटर के साथ मिक्स करने हो। अच्छा, अमित देखो उसमें वो हो गया है, पानी हो गया, इसको प्लीज बंद कर। ईशान साइड हो जाओ बेटा, एक मिनट पापा को बनाने दो। और मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पे जो एग है वो इंडिया से बहुत बहुत सस्ते हैं। अमित कितने सस्ते हैं यहाँ पे एग, सेम प्राइस पे हैं, 10 एग 1 पाउंड के आते हैं, तो समझो 10 रुपए का एक अंडा है। 10 रुपए का एक अंडा है, 10 रुपए। आप तो पहले कह रहे थे कि सस्ते हैं यहाँ पे अंडे बहुत। नहीं, रिलेटिवली देखो ना, तो इंडिया में आपको 7 रुपए का अंडा मिलता है। अच्छा, पर ये दूसरे वाले एग भी, एक बार हम वो ऑर्गेनिक वाले एग लेके आए थे। बताओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि अंडे भी ऑर्गेनिक होते हैं, मुर्गी क्या खाती है जो अंडे ऑर्गेनिक हो जाते हैं। ये सॉरी काम पर लग गया है, ये रहा ईशान, ये हेल्पर है, ये एग फेट रहा है ना ईशान। हाँ, अच्छे से करो ईशान। और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप अपने बटर को ऐसे भी हीट कर सकते हो। How can you show me? पानी गरम करो, उसे उसके अंदर एक बोल में बटर रखो, वो मेल्ट हो जाएगा, इजी पीस।
इसमें हमने बटर के साथ ये जो चॉकलेट चिप्स आए थे ये भी डाल दिए हैं, तो ये साथ में ये भी मेल्ट होने हैं, धीरे धीरे मेल्ट होने, इसे हिलाने की जरूरत नहीं है, अभी हो जाने दो इसे मेल्ट। निशान आप अच्छे से विस्क करो इसको, इसमें फोमी बना दो इसको, बिल्कुल एकदम फोमी। अब ओवन को प्री हीट करना है। चलो और गई गाइस, तुम्हारा ये कैसे हो गया, फ्लफी हो गया बिल्कुल, वेरी फ्लफी। यस विद फैन एंड 160 डिग्री गैस 4। ओके सो 180 डिग्री प्री हीट करना है 4। और कितने देर तक कौन देखता है, 25-28 मिनट इसको कर दो यहाँ पर आप, 25-28 मिनट, हम 35 मिनट तक कर देते हैं। ये यहाँ से हीटर, ओके सो लेट इट वर्क फॉर 5 मिनट्स। तो हमारा ये मिक्सचर भी रेडी हो गया ऑलमोस्ट, अभी बटर पूरा से घुला नहीं है इसमें। देखिए आपका ये अब कंसिस्टेंट नाइस हो गया। अब इसका इसको बैटर में मिक्स करेंगे। अब हाँ अब एग में, हाँ एग में अब बैटर मिलाएंगे। स्लोली स्लोली मिक्स करो ईशान, होल्ड द बाउल। ईशान दीदी को करने दो चटनी। अब इसमें ये बैट देखने में दैट लाइक दैट चटनी चटनी। ओके स्टीयर इट, कैन आई ट्राई स्टीयरिंग अगेन। और आपको याद है आपको याद है पेपा पिक क्या करते थे इस बाउल को और स्पून को, लिख इट। यू कैन लिख इट, नहीं आपको क्लीन करना इसको लिख करके। हाउ इज इट वार्म ईशान, सबसे पहला वर्ड ये निकला वार्म। हाउ इज इट आरोप पिछोला। तो अब इसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे, इसके इसमें देखो ग्रीन थोड़ी बनेगी, ये ऊपर भी उठेगा ना अभी इसका, जब बेक करोगे इसको तो थोड़ा सा ऊपर उठेगा। हाँ 5 सर्विंग के आसपास है इसमें, स्पून से कर लो मैं इसको, आएगा नहीं। ईशान अरे बेटा कैन यू गिव मी दिस, अब इसको स्लोली ऑन प्लेस कर। आई थिंक इसे ट्रे में रखने की जरूरत नहीं है, आप स्टैंड के ऊपर रखो इसको, नहीं हीट अच्छे से ट्रांसफर नहीं होगी हमें नीचे से। I like this business. और ये ट्रेस में से निकाल दो, हॉट हो गई है बहुत। और अब बंद करने के बाद इसको फिर 25 से 28 मिनट तक हमें इसको चलाना है। ब्राउनी रेडी। अब देखो ये ऊपर उठने लगा है ब्राउनी, है ना? आर क्रैकिंग, हाँ ये ऊपर उठ रहा है ना, बेक हो रहा है ये। अरे हम ईशान के लिए इनको छोटे छोटे वो कपकेक के जो मोल्ड आते हैं उसमें लाके रख सकते हैं, फिर देन यू कैन ईट लाइक अ कपकेक एंड पुट अ लिटिल आइसिंग ऑन द चॉकलेट चिप्स। इसमें खुद से इतनी स्वीट और चॉकलेट है, ऊपर से आइसिंग भी चाहिए। तो हमारी ब्राउनी रेडी है, देखो देखो देखो, आहा चेक करो इसको, ये हो गई है क्या, इसमें वो डाल के कर देना चेक। हाँ नाइफ से, फोक से खा के देखो। नहीं खा के नहीं देखना है, अभी कट करना है। मामा से डन।
it is done. Nothing else. Yes. Let it cool off, then we will cut. Yum, yum. तो गाइज देखा आपने, हमारी ब्राउनी रेडी हो गई है. आप भी ट्राई कीजिए. ऐसा कोई इंग्रेडिएंट मुझे तो लगता नहीं अमित ऐसा कुछ भी होगा जो इंडिया में नहीं मिलता होगा. तो आप जरूर ट्राई कीजिए. इतने हेल्दी तो नहीं कहेंगे पर इतनी बुरी भी नहीं है कि बाहर से केक ऑर्डर करें. सिर्फ बटर है इसमें. अब जो है तो है. अगर मन कर रहा है तो खाओ बनाओ. इस वीडियो में इतना ही गाइज. अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल. बाय गाइज.